I welcome the students of class 7. आज हम लोग साइंस चैप्टर 3 का क्वेश्चन है सॉल्व करेंगे. इसमें तीनों तरह के क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व करना है, शॉर्ट टाइप, ऑब्जेक्टिव टाइप एंड लॉन्ग टाइप. सो लेट अस बिगिन. हमारी जो फर्स्ट क्वेश्चन है पार्ट ए, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स, जिसका पहला क्वेश्चन है मटेरियल्स मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स आर कॉल्ड डैश. सो इट्स आंसर इज प्योर सब्सटेंस. ओके, सेकंड क्वेश्चन इज द टाइप एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ईच काइंड प्रेजेंट इन ए सब्सटेंस is given by its dash. Answer is chemical formula. Third, the chemical formula of water is, it is H2O. Fourth, iron gets rusted on coming in contact with dash and dash. Iron pe rust lagti hai kiske sath contact aane par? That is air and water. Fifth, the process that leads to a chemical change is called a dash. Chemical change जब होती है उस process को क्या कहते हैं हम लोग chemical reaction. Sixth, in a neutralization reaction, dash and dash are formed. Neutralization reaction में क्या क्या बनते हैं? Salt and water. Then we come to part B. This is true or false. First question, all matter is made up of atoms. So this is true. Second one, compounds are substances consisting of two or more elements chemically combined. This is also true. Compound ka definition ye hai. Then the symbol of element copper is Cu. It is also true. Fourth, formula of sodium chloride is ClNa. This is false. It is NaCl. The fifth, the chemical formula of aluminium sulfate is Al2SO4. This is false. It is As2SO4³. Now, answer number 6. New substance formed in a chemical reaction is called product. So this is true. New substance jo banti hai usko product kehte hain. And the seventh one, magnesium hydroxide is an acid. This is false. Magnesium hydroxide is a base. Then next question, part C, is our multiple choice question. हर एक क्वेश्चन के चार चार ऑप्शन है, हमें करेक्ट ऑप्शन में टिक लगानी. पहला क्वेश्चन है द केमिकल सिंबल ऑफ Ag रिप्रेजेंट्स द एलिमेंट. कौन सा एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है? Ag, दैट इज सिल्वर. सो आंसर इज सिल्वर. सेकेंड क्वेश्चन है वन मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रिक एसिड इज मेड अप ऑफ. एक मॉलिक्यूल नाइट्रिक एसिड क्या क्या चीज से बनी है? वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, वन एटम ऑफ नाइट्रोजन एंड थ्री एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. इसका फॉर्मूला होता है HNO3. एक हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन और तीन ऑक्सीजन. थर्ड क्वेश्चन है द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट इज. इसका फॉर्मूला होगा Mg3PO4 2. दिस इज द फॉर्मूला Mg3PO4 2. देन क्वेश्चन नंबर 4, द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ. रिएक्शन क्या है? Fe+CuSO4 बन रही है FeSO4+Cu. सो दिस इज ए काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. यहां पर
Fe यानी आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5, क्वेश्चन नंबर द केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइम, इट इज कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज CaO. CaO इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइम. अब हम लोग आते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन यानी पार्ट डी में. पहला क्वेश्चन है नंबर 1, व्हाट आर एलिमेंट्स. इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है इट इज ए प्योर सब्सटेंस, यानी एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम्स, जो एक तरह के एटम से बने हैं उसे हम एलिमेंट कहते हैं. सेकेंड, गिव द केमिकल सिंबल ऑफ आयरन एंड क्लोरीन. आयरन का केमिकल सिंबल और क्लोरीन का केमिकल सिंबल. तो आयरन का केमिकल सिंबल है Fe और क्लोरीन का है Cl. देन क्वेश्चन नंबर 3, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स. कंपाउंड्स क्या क्या है? पहला है एल्युमिनियम ऑक्साइड, सेकेंड है जिंक एसीटेट. तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का है Al2O3, जिंक एसीटेट का है CH3COZn. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन. इक्वेशन है CaOH2+HCl बन रहा है CaCl2+H2O. हमने क्या किया यहां पर कि अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं HCl को तो यहां क्लोरीन 2 हो जाती है, इस तरफ क्लोरीन भी 2 है तो क्लोरीन इज बैलेंस्ड. हाइड्रोजन को इधर मल्टीप्लाई करने पर हाइड्रोजन 2 हो गया, यहां पर ब्रैकेट खोलने से ये भी हाइड्रोजन 2 हो गया, तो 2+2 4 हाइड्रोजन. तो यहां हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हाइड्रोजन को, तो इट इज 2 2 4 हाइड्रोजन. नाउ हेयर 2 ऑक्सीजन एंड हेयर ये 2 ऑक्सीजन. शो ऑल द एलिमेंट्स आर बैलेंस्ड, कैल्शियम इधर 1 है इधर 1 है, सो दिस इज बैलेंस्ड इक्वेशन. देन फिफ्थ, व्हाट डज ए केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट. केमिकल इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है? ए केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूली ऑफ द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व इन द रिएक्शन. केमिकल इक्वेशन क्या बताता है हमें? एक केमिकल रिएक्शन को बताता है किसके जरिए उस रिएक्शन में जो जो एलिमेंट्स पार्टिसिपेट किया है उसके सिंबल्स को लिखकर और फॉर्मूला को लिखकर जब हम इसको दिखाते हैं तो वो केमिकल इक्वेशन कहलाता है. देन सिक्स्थ क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन ए केमिकल इक्वेशन. रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स किसे कहते हैं? ए केमिकल इक्वेशन नो दिस साइड. रिएक्टेंट्स आर द सब्सटेंसेस टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन. रिएक्टेंट्स वो सब्सटेंसेस हैं जो एक रिएक्शन में भाग ले रहा है, एंड प्रोडक्ट्स आर द सब्सटेंसेस फॉर्म्ड इन द रिएक्शन. जो सब्सटेंसेस रिएक्शन में बन रही है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं. देन क्वेश्चन नंबर 7, गिव वन एग्जांपल ऑफ ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल देना है, तो हेयर मेनी एग्जांपल्स आर देयर, यू कैन गिव सम अदर एग्जांपल्स आल्सो. व्हेन कार्बन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, जब कार्बन का रिएक्शन ऑक्सीजन से होता है, दिस इज द सिंपलेस्ट एग्जांपल. When carbon reacts with oxygen, carbon dioxide is formed. This is a very well-known reaction. Everyone knows C+O2 बन रही है CO2. So this is a simple example of combination reaction. Now we are coming to part E. Part E means long answer type question. जिसका पहला question है, write the steps involved इन राइटिंग द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट. हमने केमिकल फॉर्मूला लिखना सीखे हैं, कैसे हम कैल्शियम फॉस्फेट का केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे? तो सबसे पहले ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट पहला स्टेप क्या होगा हमारा,
First, we write the symbols of calcium and phosphate ions. Calcium और phosphate ions का formula हम लोग लिखेंगे with their charges और उसके ऊपर उसके charges को लिखेंगे. तो calcium का ion का formula है Ca2+, phosphate ions का formula है PO4-3-. ये दोनों लिखने के बाद next step में क्या करेंगे हम? Now we क्रिस क्रॉस दिया charges. क्रिस क्रॉस का मतलब होता है इधर जो charge लिखी हुई है वो PO4 के नीचे आ जाएगी, PO4 के ऊपर जो charge है वो Ca के नीचे आ जाएगी. क्रिस क्रॉस दिस इज कॉल्ड. तो आफ्टर डूइंग क्रिस क्रॉस क्या लिखेंगे हम? क्रिस क्रॉस करने के बाद नाउ इट बिकम्स Ca3PO4 2. हमने होल्स क्यों लगाया, ब्रैकेट क्यों लगाया? क्योंकि Ca पर तो 3 आ गया लेकिन ये Ca के ऊपर जो 2 है ये PO4 पूरे के बाहर में लिखना है, इसलिए ब्रैकेट लगानी जरूरी है. ठीक है. नाउ द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट इज Ca3PO4 2. नाउ माई सेकेंड क्वेश्चन, हाउ इज ए केमिकल चेंज डिफरेंट फ्रॉम ए फिजिकल चेंज? केमिकल चेंज फिजिकल चेंज से अलग कैसे होता है? इन ए केमिकल चेंज ऑलवेज न्यू सब्सटांसेस आर फॉर्म्ड. केमिकल चेंज में हमेशा न्यू सब्सटांस बनती है विथ न्यू प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज भी नए होते हैं. बट इन फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटांसेस आर फॉर्म. फिजिकल चेंज में कोई नई सब्सटांस नहीं बनती है, प्रॉपर्टीज भी वही रहती है. तो दैट इज द डिफरेंस. क्वेश्चन नंबर 3, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज ए केमिकल चेंज. Justify this statement with the help of example. Neutralization reaction एक chemical change है, इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे? एक example देकर करना है. In neutralization reaction, new substances are formed. Neutralization reaction हम लोगों ने पढ़ा है कि acid और base के बीच reaction होती है, salt और water बनती है. तो acid और base हमारा reactants है, और जो प्रोडक्ट बन रहा है सॉल्ट एंड बेस, सॉल्ट एंड वाटर, वो दोनों बिल्कुल नई सब्सटेंसेस हैं और उसके प्रॉपर्टीज भी नए हैं. सो इट इज ए केमिकल चेंज. फॉर एग्जांपल, व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड. डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, दोनों रिएक्शन करती है तो बनती है सोडियम क्लोराइड यानी कॉमन सॉल्ट एंड वाटर. सो दिस इज द रिएक्शन. तो दिस इज ए केमिकल रिएक्शन, क्योंकि यहां बनने वाली चीजें जो है सॉल्ट एंड वाटर, दे आर न्यू सब्सटेंसेस. फोर्थ क्वेश्चन है, डिफाइन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड गिव एन एग्जाम्पल. डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है उसका भी एक एग्जाम्पल देकर एक्सप्लेन करना है. ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज द रिएक्शन इन विच ए सिंगल सब्सटांस ब्रेक्स टू फॉर्म टू और मोर सब्सटांसेज. डिकम्पोज शब्द का मतलब है टूटना. तो एक सब्सटेंस जब टूटकर दो या दो से अधिक सब्सटेंस बनाती है तो उस रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं. एग्जाम्पल्स क्या लिए हम? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसको जब हीट की जाती है तो ये बनाती है और ये टूटती है इनफैक्ट CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड. सो दिस इज ए काइंड ऑफ decomposition reaction. You can give other reactions also. Now the last question, question number 5. इसमें कुछ equations दिए गए हैं, हमें equations को देखकर बताना है ये कौन सी equation है और क्यों है. तो पहला equation में हम लोग आ रहे हैं, पहला equation में दिया है CaO plus SiO2 बन रही है CaSiO3. दो substance मिलकर एक substance को बनाया. So this is a combination reaction. क्यों है? Here CaO and SiO2. CaO है calcium oxide और SiO2 है silicon dioxide. ये दोनों आपस में combine हो रही है and ये बना रही है एक compound CaSiO3. इसका नाम है calcium silicate. इसलिए ये combination reaction. Second है KOH plus HCl. KCl plus H2O. ये कैसा रिएक्शन है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. क्यों है? क्योंकि KOH यहां पर बेस है और
HCl एसिड है, एसिड और बेस रिएक्शन करके क्या बनाया, KCl जो कि सॉल्ट है और वाटर, तो सॉल्ट वाटर बना, मतलब एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। थर्ड Cu यानी कॉपर प्लस AgNO3, ये बना रहा है CuNO3 होल टू प्लस Ag, दिस इज ए काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है एक एलिमेंट दूसरे को हटाता है, खुद वहां जा रहा है। तो कॉपर और सिल्वर, यहां सिल्वर को हटाकर कॉपर सिल्वर की जगह चला गया, सिल्वर अलग हो गया, सो दिस इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड द लास्ट वन BaCO3, ये है बेरियम कार्बोनेट, इसको हीट की गई, इट ब्रेक्स इनटू BaO प्लस CO2, सो दिस इज डेफिनेटली ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि यहां बेरियम कार्बोनेट ब्रेक होकर बना रही है बेरियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ओके स्टूडेंट्स, नाउ दिस चैप्टर, क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। अगेन वी विल मीट इन अनदर चैप्टर। थैंक यू।